बिग बॉस में कपल बनना जैसे एक परंपरा सा है, लेकिन क्या सारे कपल रियल केमिस्ट्री शेयर करते हैं या काफियों का प्यार में पड़ना बस एक गेम प्लान होता है? पुराने सीजन में से कौन कौन है कपल जो साथ है और कौन हो गए अलग? हेलो दोस्तों, मैं हूं आपकी स्टोरी गर्ल मोनिका और आज हम आपको बिग बॉस के सभी कपल्स के बारे में बताएंगे, किसका था सच्चा प्यार और कौन कर रहा था बस एक दिखावा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पवित्रा पुनिया और एजाज खान। पवित्रा पुनिया और एजाज की पहली मुलाकात बिग बॉस 14 में हुई थी। दोनों शुरुआत में बस एक दूसरे से लड़ते ही नजर आते थे, पर शायद एक दूसरे का ही गर्म मिजाज दोनों को भा गया और इतना पसंद आया कि दोनों ने शो में ही अपने प्यार का इजहार कर दिया। 2 साल डेट करने के बाद दोनों ने अभी हाल ही में इंगेजमेंट कर ली और इस साल के लास्ट में या नेक्स्ट ईयर की शुरुआत में दोनों शादी के बंधन में बन जाएंगे। तेजस्वी प्रकाश और करण कुंद्रा। करण और तेजस्वी की पहली मुलाकात फ्लिपकार्ट के एक शो में हुई थी। उसके बाद वो दोनों हमको बिग बॉस 15 में नजर आए। शुरुआत में तेजस्वी की तरफ से तो कुछ नहीं था, लेकिन करण ने उनको बहुत ही प्यार से एक चेन पहनाकर प्रपोज कर दिया, जिसके बाद दोनों तरफ से प्यार की शुरुआत हो गई। कभी दोनों लड़ते झगड़ते तो कभी फेविकोल की जोड़ की तरह बस एक दूसरे से चिपके रहते। सभी को लगा था कि शो से बाहर जाने के बाद दोनों जल्द ही अपना ब्रेकअप अनाउंस कर देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और शो के 1 साल बाद भी दोनों सबको कपल गोस्ट देते दिखाई दे रहे हैं। शहनाज गिल और सिद्धार्थ शुक्ला। सिद्धार्थ और शहनाज बिग बॉस के इतिहास में सबसे ज़्यादा पॉपुलर जोड़ी में से एक है। सब उनको सिद्धनाज के नाम से जानते हैं। सिद्धार्थ और शहनाज दोनों शो में पहली बार मिले और दोनों की केमिस्ट्री सबने बहुत ज़्यादा पसंद की। शो के बाद भी दोनों साथ दिखे और सब बस दोनों की शादी का ही इंतज़ार कर रहे थे कि सितंबर 2021 में दिल का दौरा पड़ने के कारण सिद्धार्थ हमारे बीच नहीं रहे और दोनों की कहानी अधूरी रह गई। लेकिन इन दोनों का प्यार इतना सच्चा था कि सिद्धार्थ के जाने के बाद शहनाज के भाई शहबाज बदेश ने सिद्धार्थ के चेहरे का टैटू अपने हाथ पर बनवाया और शहनाज की भी कोशिश रहती है कि वो अपने थ्रू सिद्धार्थ को हम सबके भी जिंदा रखे। किश्वर मर्चेंट और सुयश राय। इन दोनों की प्यार की कहानी शुरू हुई 2011 के टीवी शो प्यार की ये एक कहानी के सेट से। आपको बता दें कि किश्वर सुयश से 8 साल बड़ी हैं, लेकिन वो कहते हैं ना कि प्यार में उम्र, कद, रंग, जात पात कोई मायने नहीं रखता। 2015 में दोनों अपने रिलेशनशिप को टेस्ट करने के लिए बिग बॉस 9 में आई और पहले से ही ज़्यादा स्ट्रांग कपल बनकर बाहर निकले। इसके बाद 2016 में दोनों ने शादी कर ली और अगस्त 2021 में दोनों के घर एक बेटा हुआ। युविका चौधरी और प्रिंस नरूला। बहुत से रियलिटी शो जीतने वाले प्रिंस नरूला की युविका से 2015 में बिग बॉस 9 में पहली मुलाकात हुई थी। दोनों के बीच की केमिस्ट्री पहले ही दिन सबको दिखने लगी थी, लेकिन उसी साल प्रिंस की केमिस्ट्री नौरा फतेही के साथ भी दिखी थी, जिसको देखकर सबको लगा था कि प्रिंस गेम के लिए दोनों के साथ बस प्यार का नाटक कर रहे हैं। लेकिन एक एपिसोड में प्रिंस ने युविका को दिल शेप की रोटी बनाकर बिग बॉस के घर में ही प्रपोज कर दिया। बिग बॉस के बाद दोनों ने कुछ साल डेट किया और 2018 में शादी कर ली। रुबीना दिलेक और अभिनव शुक्ला। रुबीना और अभिनव की शादी 2018 में हुई थी और 2020 के बिग बॉस 14 में दोनों ने साथ में हिस्सा लिया। आपको बता दें कि बिग बॉस इन दोनों के रिश्ते का एक आखिरी मौका था, क्योंकि रुबीना अभिनव जब बिग बॉस में आई थी तब वो अपना डिवोर्स फाइल कर चुके थे, लेकिन बिग बॉस ने उन दोनों के रिश्ते को एक नई शुरुआत दी और अब दोनों साथ हैं और बहुत खुश भी हैं। शमिता शेट्टी और राकेश बापट। राकेश और शमिता की पहली मुलाकात 2021 में बिग बॉस OTT के घर में हुई थी और वहीं से दोनों की प्यार की कहानी शुरू हो गई। लेकिन क्या आप जानते हैं कि राकेश का 2019 में ही अपनी एक्स वाइफ वृद्धि डोगरा के साथ डिवोर्स हुआ था, लेकिन बिग बॉस OTT के ख़त्म होने के बाद भी शमिता और राकेश साथ दिखे। उसके बाद कुछ दिन के लिए वो बिग बॉस 15 में भी दिखे और शो ख़त्म होने के कुछ वक्त के बाद ही दोनों ने सोशल मीडिया का सहारा लेकर अपना ब्रेकअप अनाउंस कर दिया। गौहर खान और कुशाल टंडन। बिग बॉस के सीजन 7 में दोनों को प्यार हो गया और ऑडियंस को वो दोनों साथ में बहुत पसंद आए, लेकिन दोनों का रिश्ता बिग बॉस के बाहर कुछ वक्त ही चला और 10 महीने बाद ही दोनों अलग हो गए। गौहर ने 2020 में शादी करी अपने से 12 साल छोटे जैद दरबार से, जो एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं। इन दोनों को देखकर साबित हो जाता है कि प्यार में उम्र कोई मायने नहीं रखती। जैस्मीन बसीन और अली गोनी।
इन दोनों की लव स्टोरी एकदम लव एट फर्स्ट साइट और प्यार दोस्ती है का जीता जाता एग्जाम्पल है। अली और जैस्मिन की पहली मुलाकात बम्बई एयरपोर्ट पर हुई थी, जब वो दोनों खतरों के खिलाड़ी सीजन 9 की शूटिंग के लिए अर्जेंटीना जा रहे थे और वहीं दोनों को पहली नज़र वाला प्यार हो गया। लेकिन दोनों ने अपने रिश्ते की शुरुआत दोस्ती से की और इसी दोस्ती के साथ दोनों बिग बॉस 14 के घर में गए और वहाँ उनकी दोस्ती प्यार में कब बदल गई उन दोनों को भी पता नहीं चला। बिग बॉस से बाहर आने के बाद दोनों ने एक दूसरे को डेट किया और अब उनके फैंस बस उन दोनों की शादी का इंतज़ार कर रहे हैं। हिमांशी खुराना और आसिम रियाज, इन दोनों के प्यार की कहानी शुरू हुई बिग बॉस 13 के घर से। बिग बॉस के घर में जब दोनों मिले तब हिमांशी की सगाई हो चुकी थी जिनके साथ वह 9 साल थी, लेकिन शो में आसिम और हिमांशी की नज़दीकियों के कारण उन दोनों की सगाई टूट गई। शो से निकलते ही आसिम और हिमांशी ने डेट करना शुरू कर दिया और दोनों आज भी हम सबको कपल्स गोल देते नजर आ रहे हैं। करिश्मा तन्ना और उपेन पटेल, ये दोनों भी पहली बार बिग बॉस 8 के घर में 2014 में मिले और दोनों को प्यार हो गया। सबको साफ साफ नज़र आ रहा था कि दोनों टीआरपी के लिए प्यार का नाटक कर रहे हैं और दोनों ने बहुत टीआरपी बटोरी भी। लेकिन बिग बॉस के बाद नच बलिए में उपेन ने करिश्मा को प्रपोज तक कर दिया और फिर दोनों एमटीवी के लव स्कूल में जज बनकर सबको लव टिप्स देते दिखे। वो अलग बात है कि उन दोनों का रिश्ता ज़्यादा लंबा नहीं चल पाया और 2 साल के बाद ही 2016 में दोनों अलग हो गए। ये थे वो कपल्स जिनकी जोड़ी बिग बॉस ने बना दी। आपकी फेवरेट जोड़ी कौन सी है और इस साल बिग बॉस 16 में आपको किस कंटेस्टेंट के बीच रियल लव दिखने की उम्मीद है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपसे मिलूंगी जल्दी नेक्स्ट स्टोरी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।